वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिस्ट्री क्लास, क्लास 7, चैप्टर 3, पार्ट 6। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर वाज समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तानेट अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी एंड लाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर मोहम्मद तुगलक मेजर वेयर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। द सुल्तानेट इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, टेक अ लुक एट द टेबल वन अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोदी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। बाई देन जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश्ड flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. 15वीं और तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा, जब तक जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Shah Shah Sur started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Empire, Humayun. Shah Shah captured Delhi and established his own dynasty, although the Suri dynasty ruled for only 15 years. It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Shah Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar when he consolidated the Mughal Empire. इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चल के उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्होंने और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। The three orders, the peace of a god, knights and the crusade. The idea of the three orders was first formulated in France in the early 11th century. It divided society into three classes, those who prayed, those who fought and those who tilled the land. This division of society into three orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. This helped the emergence of new warrior groups like called knights. The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. This led to a series of a campaign called a crusade. This campaign in the service of a god and the church completely altered the status of knights.
originally this knight did not belong to the classes of nobles, but by the end of the 11th century in the France and the century later in the Germany, the humble origin of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. तीन श्रेणियां ईश्वरीय शांति नाइट और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने से में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इतना उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यहाँ रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई में विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलम शहर पर कब्जा कर लिया रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उस एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे। This is the end of this video. We will continue this chapter in next video. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।